बोस्निया और हर्जेगोविना सुनने में दो अलग अलग देश लगते हैं, लेकिन असल में यह है एक ही कंट्री है और ये देश आता है यूरोपीय महाद्वीप में। यहाँ पर एक समय में लाखों महिलाओं का बलात्कार किया गया था और लाखों लोगों को मारा गया था। इसके बावजूद भी यह देश तेजी से आज विकास कर रहा है। बोस्निया और हर्जेगोविना का मानचित्र त्रिकोणीय है, जिसकी सीमाएं पश्चिम और दक्षिण में क्रोएशिया, पूर्व में सर्बिया, दक्षिण में मोंटेनेग्रो के साथ एड्रियाटिक सागर से लगती है। इस अनोखे और सुंदर देश की कुल आबादी लगभग 33 लाख के आसपास है, जिसमें 51% लोग मुस्लिम हैं, 31% ईसाई हैं और बाकी 18% में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। 1 मार्च 1992 को ये देश आजाद हुआ था। इससे पहले ये कंट्री यूगोस्लाविया का हिस्सा थी। इस छोटे से देश में देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है। बोस्निया के अगर एरिया की बात करी जाए तो यह कंट्री कुल मिलाकर फैली है केवल 51,157 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और यहाँ कई सुंदर शहर है। पर बात जब इस देश की राजधानी की होती है तो यहाँ की कैपिटल सिटी सराजेवो है, जिसे इस देश की सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान भी हासिल है। पैसे के रूप में यहाँ बोस्निया हर्जेगोविना मार्का चलता है, जो भारत की करेंसी में 43 रुपए के बराबर आता है। दोस्तों, इस देश में प्रमुख 3 समुदाय रहते हैं, पहला कुराट लोग, दूसरे मुस्लिम लोग और तीसरे सर्ब लोग। जब 6 जुलाई साल 1995 में यहाँ गृह युद्ध छिड़ा था, तब कई मासूम और निर्दोष लोगों की हत्या करी गई थी, और जिस सर्बिया की सर्ब सेना ने यह काम किया था उसका कमांडर था राटकोल मालामिच। इसकी सेना ने 1 लाख से भी ज्यादा मासूम लोगों को बलात्कार करके उनकी हत्या करी थी, और ये सब चलता रहा 6 जुलाई से 20 जुलाई साल 1995 तक। इतना सब झेलने के बाद इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें एक हिस्से में कोराट लोग और मुस्लिम लोग रहते हैं, जबकि दूसरे वाले में सर्ब। सर्ब हिस्से को सर्बिया की सरकार सपोर्ट करती है। इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद भी आज बोस्निया काफी तेजी से विकास कर रहा है, जिससे यहाँ सैलानियों के आने की रुचि भी काफी बढ़ गई है। और इसकी वजह है बोस्निया की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के झरने, यहाँ की इमारतें और संस्कृति। यहाँ आपको एक तरफ तो सिंपल कपड़ों में महिलाएं नजर आएंगी, जबकि दूसरी तरफ आपको एकदम बोल्ड संस्कृति वाले लोग भी देखने को मिलेंगे। राजधानी सराजेवो के अलावा यहाँ के कुछ सबसे प्रमुख और सुंदर शहर हैं मोस्तर, बंजलुका, तुजला, क्रानविक, बीहक, प्रिजेडोर, बिजेलिना, जनिका और काजिन। यहाँ के वाटरफॉल को दुनिया के सबसे खूबसूरत झरनों में गिना जाता है। एक तो झरने की सुंदरता, ऊपर से बोस्निया की सुंदर महिलाएं भी आपको खुश कर देंगी। बोस्निया की नाइट लाइफ के भी अलग ही चर्चे हैं, जिसमें आपको सड़कों पर भारी संख्या में लोग मजे करते हुए दिख जाएंगे। बोस्निया का रहन सहन दुनिया की बाकी कंट्रीज से काफी अच्छा माना जाता है। इस देश की संस्कृति, पहनावा और विचित्रता दुनिया के अन्य हिस्सों से इसे अलग बनाती है। यही सब कारण है कि 2006 और 2010 में लोनली प्लैनेट के एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश की राजधानी सराजेवो को दुनिया के सबसे सुंदर और आकर्षणीय शहर का दर्जा मिला था। सराजेवो ही यूरोप का वो पहला शहर है जहां पर 1885 में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक ट्रैम को चलाया गया था। यूरोप के सबसे बड़े जंगलों में से एक जंगल इसी देश में देखने को मिलता है। यहां पर फोन करने से पहले +387 मिलाया जाता है और यहां पर गाड़ियां राइट हैंड साइड पर चलती हैं। दोस्तों, इस देश की करेंसी को बाहर नहीं ले जा सकते, यहां की मुद्रा को केवल यहीं पर बदला जाता है। तो अगर आपको बोस्निया का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। मैं मिलूंगी अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।